हेलो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं गुरुद्वारे साहिब और आप भी कर लीजिए दर्शन। और मैं तो यहाँ पे आ चुकी हूँ दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम गुरुद्वारे साहिब आ चुके हैं और ये पीहू है। फ्रेंड, आपने भी बाबा जी के दर्शन कर लिए होंगे और दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं बाहर, क्योंकि बाहर का जो मौसम है बहुत प्यारा हो रहा था। और फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप गुरुद्वारा देख लीजिए। ये गुरुद्वारा है जयपुर राजा पार्क का, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर गुरुद्वारा है। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, मन को इतना सुकून मिलता है ना, सच में फ्रेंड। जितनी भी इंसान को टेंशन होती है जी, यहाँ पे आने के बाद मतलब सारी टेंशन गायब सी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं निशान साहब, तो अभी निशान साहब जी के दर्शन कर लीजिए। और बस ये है ना कि फ्रेंड, यहाँ पे आज पहली बारिश हुई है जयपुर की, तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितना मतलब गीला सा हो रहा है और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ना। तो हम तो आके यहाँ पे थोड़ी देर पीहू और मैं यहाँ पे आके बैठ चुके थे, तो हमने सोचा चलो बैठते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे हम आपको कर रहे हैं सत श्री अकाल, और आप भी सत श्री अकाल हमें कर दीजिएगा कमेंट में। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं लंगर हॉल में, चलते हैं वहाँ पे चल के आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं लंगर हॉल में और यहाँ पे लगभग लंगर स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सिख पंजाबी लोग ही आते हों, यहाँ पे हर कास्ट हर जाति के लोग आते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे लंगरों का अटूट लंगर शुरू हो चुका है, और आप लोग भी आ जाइए और लंगर खा लीजिए। फ्रेंड्स, मैं तो जा रही हूँ लंगर खाने के लिए, और अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। कभी आप भी गुरुद्वारे में जाके देखिए, जैसे दिल्ली में बंगला साहिब में, तो वहाँ पे हर लोग सभी लोग बंगला साहिब जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सच में।